हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर में हमने फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड उसको स्टार्ट किया था। उसका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हमारा आज का ये फोर्थ लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं फ्रिंडल क्रॉप एसिलेशन या एल्काइलेशन। पहले देखेंगे एल्काइलेशन के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसाइलेशन के बारे में। अब फ्रिंडल क्रॉप एल्काइलेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बेंजीन और किसी भी एल्किल हैलाइड की एक रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे हमें बेंजीन और जो एल्किल है उसका कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। तो जैसे एल्किल बेंजीन, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। पहले भी रिएक्शन देख रखे हैं हमने, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए आप प्ले लिस्ट में जाके। दिस मेथड इज यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ, जो फ्रिंडल क्रॉप मेथड है वो कहां यूज किया जाता है? बेसिकली इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या है कि एक बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर एल्किल ग्रुप अटैच होगा, जैसे एल्काइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। तो ये कंपाउंड हमें बनाना है, किसके थ्रू बनेगा? फ्रिंडल क्रॉप एल्काइलेशन रिएक्शन के थ्रू, सॉरी, बिटवीन बेंजीन एंड सुटेबल एल्किल हैलाइड। अब कैसे बनता है रिएक्शन, कहां होती है? बेंजीन और सुटेबल एल्किल हैलाइड के बीच में रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाली है। कैटलिस्ट इसमें यूज होंगे AlCl3, BF3, FeCl3। दीज आर द कैटलिस्ट यूज इन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, सॉरी बेंजीन हैलाइड। तो ये एल्काइल बेंजीन के फॉर्मेशन में जो कंप्लीट प्रोसेस है, क्या क्या कंपाउंड यूज होंगे वो हमने देख लिया। एक सिंपल जो रिएक्शन देखें, यही रिएक्शन आगे मैकेनिज्म हमें देखनी है, यही रिएक्शन होगी। बेंजीन है, ये एक हमारा एल्किल हैलाइड है जो एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? एल्किल बेंजीन। तो यही हमें बनाना है। कैसे कैसे प्रोसेस होगी, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, थ्री स्टेप में बेसिकली हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। फर्स्ट होती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, एंड लास्ट में लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है, कंप्लीट हमारी रिएक्शन हो जाती है। तो बात कर लेते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी कंपाउंड कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं उसका ब्रेकडाउन हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट में, जिससे वो रिएक्शन करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। द एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म पोलराइज एल्किल हैलाइड। ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? पोलराइज एल्किल हैलाइड विच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, जो एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में एक्ट करेगा, जो आगे जाके कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारा एल्किल हैलाइड है, ये हमारा कैटलिस्ट है AlCl3, जो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल आगे कार्बन कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इसमें रिएक्शन आगे हो जाएगी। द पॉजिटिव पार्ट ऑफ पोलराइज एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल अटैक द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बेंजीन, देन जो रिएक्शन होगी बेंजीन के साथ होगी, बेंजीन पे ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जो बेंजीन रिंग टू फॉर्म कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, जिससे क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इससे अटैच हो जाएगा, मतलब ये हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अब आगे ये AlCl4 हमारा बच गया। ये जो स्टेप है सेकंड स्टेप, वैसे की स्लो स्टेप होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी रिएक्शन की। थर्ड स्टेप में क्या होगा? लॉस ऑफ प्रोटोन होगा। प्रोटोन की संख्या कार्बन फर्स्ट पे ज्यादा है, बेंजीन पे कार्बोकैटायन लॉसेस से प्रोटोन टू द बेस एंड गिव फाइनल प्रोडक्ट। अब जो कंपाउंड हमारा बना था AlCl4 जो बाहर निकला था वो भी इसके साथ रिएक्ट करेगा। इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ये जो हमारा प्रोटोन है यहाँ से लॉस हो जाएगा और जो एल्किल हैलाइड है वो हमारा बच जाएगा। तो HCl यहाँ से निकल गया और AlCl3 ऐसे कैसे रिमूव हो गया, ये हमारा एल्किल जो
बेंजीन है वो यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो एल्किल बेंजीन के फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है वो होती है हमारी फिंडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। फिंडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में हम बेंजिल एल्किल मतलब बेंजीन के साथ एल्किन ग्रुप अटैच होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो लेक्चर था आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां जाके आप अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।